मनीष कश्यप अपनी फर्जी वीडियो पोस्ट करके लाइक बटोरने की शर्मनाक हरकत के बाद बिहार पुलिस की गिरफ्त में है। इतना ही नहीं, तमिलनाडु की पुलिस भी मनीष के खिलाफ कार्रवाई करने बिहार पहुंच चुकी है। मनीष कश्यप वो पत्रकार हैं जिनकी पत्रकारिता का बेस ही झूठ और मक्कारी था। झूठी वीडियोस वायरल करना, झूठी इन्फॉर्मेशन अपने लाखों सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाना उनका रोज का काम था। अगर आप लोगों को याद हो तो आर्यन खान के केस में जब आर्यन खान ने बिना किसी अपराध के 25 दिन जेल में काटे, तब मनीष ने आर्यन खान को जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। जबकि कोर्ट या पुलिस से आर्यन के खिलाफ कोई पुख्ता स्टेटमेंट भी नहीं आया था, वो सिर्फ शक के घेरे में थे। अब जब मनीष अपने करतूतों के लिए बकायदा आदतन अपराधी घोषित भी हो गए हैं और गिरफ्तार भी हो गए हैं, तो जेल जाते हुए उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये बात तो साफ है कि बिहार पुलिस ने उनकी अकड़ को धराशायी जरूर कर दिया है। ट्विटर पर एक वीडियो वायरल है, आप देखिए वो वीडियो। भाई भाई ये बहुत पीछे आ रहे बाली जा खाने वाले मर्द हैं। ठीक बा, आप हिम्मत देने के बजाय आदमी के बाली जा आदमी के लड़ाई लड़ल जाए। ठीक बा, सर थोड़ा खाना उमा सब ध्यान दे रहे लग रहा है ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ध्यान दिए सर, ध्यान दीजिएगा सर। कैप्शन में लिखा है, आर्यन खान को उस अपराध के लिए 25 दिन की जेल हुई जो उसने किया ही नहीं, लेकिन वो रोया नहीं। मनीष कश्यप ने उसका मजाक उड़ाया और उसकी छवि खराब की। ये मनीष कश्यप है जो अपने पहले दिन के लिए जेल जा रहा है और यहाँ एक बच्चे की तरह रो रहा है। कर्मा वाकई में है। ये बात तो साफ है कि अब तक मनीष को अगर कोई वहम हो कि उनके सरकारी आका या उनके सरकारी दोस्तों ने बचा लेंगे, तो बिहार और तमिलनाडु की पुलिस ने मिलकर वो शक तो दूर कर दिया है। इसके अलावा पब्लिक के भी बढ़िया रिएक्शंस आए हैं वीडियो पर। लिखा है कि पैसे कमाने थे तो वो बच्चों को पढ़ाकर भी कमा सकता था जैसे खान सर, पर जब ईजी मनी की आदत लग जाती है तब सही गलत का फर्क करने की जरूरत महसूस नहीं होती। ऐसे ही युवा गुमराह होकर दंगे भड़काने में आतंकवादियों की मदद करते हैं। मनीष कश्यप की इस गिरफ्तारी वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।